दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि केसर इतना महंगा क्यों होता है? आपको मैं बता दूं कि केसर जो है, इसकी बाज़ार में कीमत जो है लगभग 3 लाख रुपए प्रति किलो है। इसके दोस्तों बहुत से कारण हैं, इसकी खेती भी इसका जो है कारण है, और इसके जो औषधीय गुण हैं इसके कारण भी ये महंगा होता है। सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, बल्कि दुनिया के हर कोने में अमीर लोग जो है केसर का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में जो दोस्तों केसर की खेती होती है, उसका 85% खेती जो है ईरान में होती है। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ कि आप अगर आप इतनी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं 3 लाख रुपए प्रति किलो वाली, तो उसकी शुद्धता की पहचान भी आपको करनी आनी चाहिए। नहीं तो आपके परिश्रम के जो भी पैसे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, और पैसे बर्बाद हो गए वो बात अलग है, लेकिन इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी जो है नुकसान होगा, क्योंकि आप मिलावटी चीज़ खा रहे हैं। तो दोस्तों, असली जो शुद्ध केसर होता है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं जो आपकी त्वचा में निखार लाता है, आपकी हार्ट है, आपकी आईज है, आपकी आईज की जो रोशनी है, उसके साथ साथ आपके जो मस्तिष्क का स्वास्थ्य है उसको भी जो है अच्छा रखता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जो है आप कैसे घर बैठे असली और नकली केसर का जो है पता लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली पहचान तो यह है कि शुद्ध केसर जो है लाल रंग का होता है। जितना ज़्यादा गहरा लाल होगा वो उतना अच्छा केसर माना जाएगा। कभी कभी लाल केसर के साथ दोस्तों जो दुकानदार होते हैं वो पीले केसर को भी मिक्स कर देते हैं, तो ऐसा केसर आपको नहीं ख़रीदना है, क्योंकि पीला केसर जो होता है वज़न में भारी होता है और उसमें कोई औषधीय गुण भी नहीं होते हैं। केवल आपके वज़न को बढ़ाने के लिए वो जो है, और पीला केसर सस्ता भी होता है, तो सिर्फ वज़न बढ़ाने के लिए आपसे जो है पूरा पैसा लिया जाता है, लेकिन आपको पूरा अच्छा केसर मिलता नहीं है। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट है सुगंध। दोस्तों, केसर की जो सुगंध है, जब आप इसको सूंघते हैं तो इसमें सूखी हुई जो घास होती है और शहद होता है उसकी तरह मीठी गंध होती है। इसलिए अगर इसकी जगह पर अगर आपको तेज़ या कड़वी गंध आती है तो इसका मतलब केसर नकली है, और वहीं अगर आपको घास की तरह और शहद की तरह मीठी गंध आती है तो इसका मतलब केसर असली है। अगला है दोस्तों, शुद्ध केसर को अगर पानी में आप मिलाते हैं तो वह धीरे 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 अपना कलर छोड़ता है, लेकिन अगर इसी जगह आप केसर को जो है मिलावटी वाला जो है उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो तुरंत पानी का कलर जो है लाल हो जाता है। अगला है दोस्तों, केसर का स्वाद जो है थोड़ा कड़वा होता है। थोड़ा सा केसर लेकर उसको जीभ पर आपको रखना है। 15-20 मिनट बाद अगर आपके सर में जो है थोड़ी सी गर्मी आपको महसूस होने लगे तो आपका केसर असली है। इसकी जगह आप केसर को अगर आप जो है थोड़ा सा मीठा लगे आपकी जीभ पर, और जो है उसका रंग जो है जीभ का जो है लाल हो जाए, तो इसका मतलब जो है असली जो है मतलब वाला नहीं है, ये पक्का मिलावटी है। अगला है दोस्तों, आपको एक टेस्ट करना है। एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़े को पहले थोड़ा गीला कर लीजिए पानी से। उसमें जो है थोड़ा सा आपको केसर लेना है, उस कपड़े के ऊपर थोड़ा रगड़ना है। आप देखेंगे कि अगर कपड़े पर पीला रंग आता है तो केसर जो है असली है, और अगर जो है पीला कलर नहीं आता है उसकी जगह लाल कलर आता है और जो आपने केसर रगड़ा है उसका कलर सफ़ेद हो जाता है, तो इसका मतलब आपका केसर नकली है। अगला है दोस्तों, बेकिंग सोडा जो है होता है उसके साथ टेस्ट करना है आपको। कटोरी में आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जो भी आप कहें वो मिलाना है। इसमें 2-3 आपको केसर डालनी है। अगर पानी का रंग धीरे 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 गाढ़ा पीला हो रहा है तो केसर असली है, और अगर पानी का रंग फौरन लाल हो रहा है या नारंगी कलर का हो रहा है तो मतलब केसर नकली है। तो ये कुछ टेस्ट हो गए दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूँ केसर को स्टोर कैसे करना है। तो केसर को दोस्तों हमेशा कांच की जो है हवा बंद वाली डब्बी है उसको मैं पैक करके रखना है, और डब्बी को आपको ठंडी सूखी और अंधेरी जगह में जो है आपको उस जो को जो है रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसकी जो खुशबू और स्वाद में जो है फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक